Good morning class, this is our new pathology class in which today we will study about the next topic of cell and tissue changes, that is cell injury. We have studied in our last class mein adaptation wagera padha tha, reversible and irreversible cell injury mein hone wale main events dekhe the, changes dekhe the. Ab hum cell injury detail mein padh rahe hain. General condition bhai, ya to adapt kar lo ya mar jao us situation ke according. रिएक्शन पैटर्न जो कि गिवन सेल या टिश्यू में अक्सर दिखाई देता है वो लिमिटेड होता है. डिग्री ऑफ इंजरी वगैरह वगैरह हमारे को देखनी होती है. ये इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइप, ड्यूरेशन, सीवियरिटी ऑफ इंसल्ट. कि भाई अगर ये अडेप्टेशन नहीं हो पाता तो फाइनली क्या होता है, इंजरी, और इंजरी की डिग्री जो है वो डिपेंड कर रही है कि वो जो स्ट्रेस आया वो किस टाइप का था, कितने ड्यूरेशन का था, कितना सीवियर था. अब सेल इंजरी क्या है, बहुत तरह के वैरायटी ऑफ स्ट्रेस की वजह से इफेक्ट दिखाई दे रहा होता है वो सेल इंजरी होती है. और ये वैरायटी ऑफ स्ट्रेस क्यों आते हैं, इटियोलॉजिकल एजेंट्स की वजह से जो सेल एनकाउंटर करती है और उसकी वजह से इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं तो उसकी वजह से सेल इंजरी दिखाई देती है. सेलुलर रिस्पॉन्स किसी स्ट्रेस की वजह से वैरी करता है, डिपेंड करता है हॉस्ट फैक्टर्स पर भी और दूसरे इंजूरियस एजेंट के फैक्टर्स पर भी. हॉस्ट फैक्टर में तो किस तरह की सेल है या किस तरह का टिश्यू है, और इंज्यूरियस एजेंट कितना एक्सटेंट या कितने टाइप की सेल इंजरी हो रही है वो फैक्टर आते हैं. अब सबसे पहले पैथोलॉजी, तो स्टडी यानी लोगल सफरिंग मतलब पैथोस. तो पैथोलॉजी क्या है, सफरिंग करने की स्टडी को अपन पैथोलॉजी कहते हैं. फोर एस्पेक्ट्स डिजीज़ के अंदर, डिजीज़ प्रोसेस के फोर एस्पेक्ट्स होते हैं जो कि पैथोलॉजी की कोर बनाते हैं या उसकी आत्मा बनाते हैं, उसका सेंटर बना रहे हैं, जिसमें हमारे को इटियोलॉजी, पैथोजेनेसिस, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस और क्लिनिकल सिग्निफिकेंस पढ़ने होते हैं. इटियोलॉजी मतलब उसका कॉज जानिए, उस बीमारी का कॉज पता लगाइए. पैथोजेनेसिस मतलब वो मैकेनिज्म जिससे वो डेवलप हो रही है, उसके डेवलपमेंट का मैकेनिज्म. मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस में हम स्ट्रक्चरल ऑल्टरेशंस पढ़ते हैं जो सेल या ऑर्गन में दिखाई दे रहे होते हैं, और क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में फंक्शनल कॉन्सिक्वेंसेस मॉर्फोलॉजिक चेंजेस के दिखाई दे रहे होते हैं. अब सेल इंजरी के कॉसेस, तो बहुत सारे कारण होते हैं सेल इंजरी के, जैसे जेनेटिक कॉसेस भी होते हैं, एक्वायर्ड कॉसेस भी होते हैं. एक्वायर्ड कॉसेस में ऑक्सीजन की कमी या लैक ऑफ ब्लड सप्लाई की वजह से हो सकता है, फिजिकल एजेंट्स या केमिकल एजेंट्स और ड्रग्स की वजह से हो सकता है. इनके अलावा माइक्रोबियल एजेंट्स सेल इंजरी कॉज करते हैं, इम्यूनोलॉजिकल एजेंट्स भी करते हैं, न्यूट्रिशनल डी अरेंजमेंट्स भी दिखाई दे रहे होते हैं, और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से भी एक्वायर्ड सेल इंजरी दिखाई देती है. अब एक्वायर्ड कॉजेज में पहला ऑक्सीजन की अगर कमी आ जाए, तो ऑक्सीजन की कमी में इश्चीमिया, हाइपोक्सिया और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन अपन पढ़ते हैं. इश्चीमिया में ब्लड सप्लाई अगर कम हो गई, आर्टरियल फ्लो इम्पेयर्ड होने से या वीनस डैमेज के रिड्यूस होने की वजह से इश्चीमिया हो सकता है. ये लोकल और सिस्टमिक हो सकता है. लोकल में अपन एम्बोलस पढ़ते हैं और सिस्टमिक में कार्डियक फेलियर के रूप में ये दिखाई देता है, जबकि लोकल एम्बोलस के रूप में दिखाई देता है. अब ये एम्बोलस क्या होता है हम अपनी आगे की नेक्स्ट क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे. हाइपोक्सिया में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, ऑक्सीजन कम होते ही सेल इंजरी हो जाएगी. क्योंकि भाई आपकी सेल को एरोबिक रेस्पिरेशन करना होता है, एरोबिक मेटाबॉलिज्म चलता है. अगर ऑक्सीजन कम होगा तो एरोबिक नहीं चलेगा, क्या चलेगा, एनएरोबिक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा. एनएरोबिक एनवायरनमेंट क्रिएट होते ही पाइरूविक एसिड और एसिटिक एसिड जैसी एसिड जो हैं वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं. ये एसिड इकट्ठे हो जाएंगे तो सेल का एनवायरनमेंट कैसा हो जाएगा भाई, एसिडिक एनवायरनमेंट हो जाएगा, और सेल जो है वो कोमा में चली जाएगी, उसका सोडियम पोटेशियम पंप डिस्टर्ब्ड हो जाएगा. तो ये हाइपोक्सिक चेंजेस है. ऑक्सीजन प्रॉब्लम एल्टीट्यूड पर देखने को मिल रही होती है, पहाड़ों पर आप चढ़ते हैं तब, या हीमोग्लोबिन प्रॉब्लम से भी हो सकते हैं जैसे एनीमिया के पेशेंट्स में होती है. तीसरा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन साइनाइड की पॉइजनिंग की वजह से देखने को मिल रहा होता है. अब फिजिकल एजेंट्स में बहुत सारे फिजिकल इफेक्ट के भाई, टिश्यू किसी एक्सट्रीम हॉट या कोल्ड के कांटेक्ट में आया, डायरेक्ट इंजरी हो गई जो कि अक्सर रिवर्सिबल होती है, बाद में ठीक हो जाएगी. इसकी वजह से जो नेक्रोसिस दिखाई देता है उसको कॉग्यूलेटिव नेक्रोसिस कहते हैं. नेक्रोसिस क्या होता है, सेल डेथ. या फिर सडन चेंजेस आ जाए प्रेशर में, पहला तो मैंने कहा टेम्परेचर का, फिजिकल में पहला टेम्परेचर, दूसरा प्रेशर, ये भी सेल डिसरप्शन कर देता है. जैसे हैमर अगर आप थंब के ऊपर ब्लो करो, हथौड़ा मारो सीधा अंगूठे ऊपर, तो कैसे चेंजेस आएंगे.
तीसरा इलेक्ट्रिकल करंट की वजह से हो सकता है डायरेक्ट ब्रेकडाउन हो जाती है सेलुलर मेम्ब्रेन, ये इरिवर्सिबल, एक बार ब्रेकडाउन होगी फिर वो ठीक नहीं होएगी, करंट से जो डैमेज होता है वो ठीक नहीं होता। केमिकल एजेंट्स में कुछ ड्रग्स भी आ सकते हैं जैसे कॉमन पॉइजन, आर्सेनिक, साइनाइड या मर्क्यूरी का, ये सेल मेटाबॉलिज्म में इंटरफेयर करता है। अगर एटीपी लेवल कम हो जाए क्रिटिकल लेवल से तो सेल जो अफेक्टेड सेल है वो डाई हो जाएगी। इसके अलावा बहुत सारे फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट होते हैं जिनके टॉक्सिक इफेक्ट देखने को मिल रहे होते हैं, कुछ तो मेटाबोलाइट्स को डायरेक्टली तोड़ करके अपना असर दिखाते हैं, जैसे अल्कोहल का मेटाबॉलिज्म, तो एसिटाल्डिहाइड इज़ वन एग्जाम्पल कि अल्कोहल मेटाबोलाइज होकर के एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये भी सेलुलर इंजरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इनके अलावा माइक्रोबियल एजेंट्स जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, रिक्शिया, पैरासाइट्स वगैरह। इम्यूनोलॉजिकल एजेंट्स में डबल एज स्वॉर्ड आता है, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस, एनाफाइलैक्टिक रिएक्शंस किसी बॉडी, फॉरेन बॉडी के प्रति, या ऑटो इम्यून डिजीज जिसमें हमारी खुद की बॉडी हमारे खुद के बॉडी के किसी पार्ट को, टिश्यू को, सेल को पराया पराया माने लग जाती है और उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट हो जाती है, तो इस बीमारी को अपन ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं, जैसे कि RA, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, या मायस्थेनिया ग्रेविस, ये सारी की सारी ऑटो इम्यून डिजीज है। इसके अलावा न्यूट्रिशनल इंबैलेंस आ सकता है भाई, डाइटरी इनसफिशिएंसी हो सकती है, डाइटरी एक्सेस, या तो आप कोई चीज़ बहुत कम खा रहे हैं, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, जैसे कम में प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, इन सब की वजह से सेलुलर लेवल पर इंजरी दिखाई दे रही होती है और वो नॉर्मल मेटाबॉलिक पाथवे में इंटरफेयर करती है। डाइटरी एक्सेस की वजह से क्या हो जाता है, सेलुलर टिश्यू में ऑल्टरेशन हो जाता है, फैट जैसे डिपॉजिट हो गया मान लीजिए भाई डाइटरी में, मतलब आप बहुत कचौरी समोसे ठूंसने के शौकीन हैं तो आपकी सेल के अंदर फैट इकट्ठा हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, जैसे हमने फैटी लिवर डिजीज़ का एग्जांपल प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया ही था। इसके अलावा साइकोजेनिक डिजीज़ के अंदर हालांकि कोई स्पेसिफिक बायोकेमिकल या मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस एक्वायर्ड मेंटल डिजीज़ में नहीं देखे जाते हैं, पर जैसे ड्रग का एडिक्शन हो जाना, एल्कोहलिज्म, नशे के आदि, स्मोकिंग वगैरह की वजह से बहुत सारे ऑर्गेनिक डिजीज़ हो जाती है, लीवर डैमेज हो जाता है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो जाती है, लंग कैंसर, पेप्टिक अल्सर वगैरह जैसी डिजीज़, हार्ट की डिजीज़ में IHD वगैरह, ये मैंने पढ़ा दिया आपको, ये डिजीज़ मैं पढ़ा चुकी हूँ तो आप क्लासेस देखिए क्या हैं ये। इसके अलावा जेनेटिक डीअरेंजमेंट्स हो सकता है कि भाई कोई डिफेक्ट आ गया और सीवियर कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन हो जाता है, लाइक डाउन सिंड्रोम, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी की वजह से देखने को मिलता है, इन बॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, एंजाइमेटिक एबनॉर्मेलिटी की वजह से देखने को मिलता है, ये भी दोनों चीज़ें आप पढ़ चुके हो, मैंने आपको जेनेटिक्स की क्लास के अंदर पढ़ाया है। इसके अलावा इयाट्रोजेनिक कॉजेज हो सकते हैं, इडियोपैथिक कॉजेज जो हमें नहीं पता होते, एग्जैक्ट कॉज हमें नहीं पता होता, वो इडियोपैथिक और इयाट्रोजेनिक हॉस्पिटल डॉक्टर की वजह से होने वाले। एजिंग की वजह से भी देखने को मिल रहे होते हैं, वह बुढ़ापे की वजह से बहुत सारी बॉडी की सेल्स मर जाती हैं, प्रोग्रेसिव डिक्लाइन देखने को मिल रहा होता है, प्रोलीफरेटिव कैपेसिटी आपके सेल की और सेल की लाइफ स्पान जो है वो कम हो जाती है, इफेक्ट दिखाई देता है कंटिन्यूस एक्सपोजर अगर किसी एक्सोजिनस फैक्टर से हो रहा होता है तो सेलुलर और मॉलिकुलर डैमेज इकट्ठे होने लग जाते हैं प्रोग्रेसिवली उम्र के साथ में, तो वो भी सेल इंजरी कॉज करते हैं। अब सेलुलर रिस्पॉन्स किस किस तरह की हो सकती है, सेलुलर अडेप्टेशन के रूप में, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल सेल इंजरी के रूप में, सब सेलुलर चेंजेस के रूप में, इंट्रा सेलुलर एक्युमुलेशन के रूप में आप देखते हो चेंजेस को। अब इसमें सेलुलर रिस्पॉन्स में अडेप्टिव रिस्पॉन्स जो हम हालांकि पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने एट्रॉफी, हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेसिया, मेटाप्लेसिया पढ़ा था। सेल इंजरी में दो तरह की इंजरी, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल सेल इंजरी। इरिवर्सिबल सेल इंजरी सेल डेथ कॉज करती है, जो कि दो तरह की होती है, नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस। ये देखिए, ये चार्ट आपको ज़रूर बनाना है अगर सेल टिश्यू चेंजेस के नाम से क्वेश्चन आ जाता है तो। नॉर्मल सेल होम्योस्टासिस अपने आप को बैलेंस बना करके रखती है, अगर उसमें कोई स्ट्रेस आया या कोई डिमांड बढ़ी तो वो अपने अंदर चेंजेस करेगी, उसको अडेप्टेशन कहते हैं, या फिर कोई इंजूरियस स्टिमुलेशन मिला तो उसके अंदर सेल इंजरी हो जाती है। या अडेप्टेशन जो हुआ था वो अगर इनेबल्ड हो जाता है कि अडेप्टेशन नहीं हो पाएगा तो उसकी वजह से भी सेल इंजरी हो सकती है। सेल इंजरी फिर दो तरह की होती है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल सेल इंजरी तो ऑब्वियस अपने आप ठीक हो जाएगी, या फिर हो सकता है कि उस दौरान कुछ सब सेलुलर लेवल पर ऑल्टरेशन दिखाई दें, ये सब सेलुलर लेवल पर ऑल्टरेशन सेल इंजरी के दौरान दिखाई देते हैं। और अगर ये इरिवर्सिबल सेल इंजरी, ये रिवर्सिबल सेल इंजरी जो हुई थी स्टिमुलेशन की वजह से, अगर ये ठीक नहीं हो पाई,
ठीक हो गई तब तो ठीक है, हीलिंग रिपेयरिंग हो जाएगी, अगर नहीं हो पाई तो वो इरिवर्सिबिलिटी के रूप में दिखाई देगी, तो उसको हम नेक्रोसिस के रूप में पढ़ते हैं। और यही अगर नॉर्मल नेचुरल चल रहा होगा प्रोसेस तो वो एपोप्टोसिस कहलाएगा। अब सबसे पहले एडेप्टेशन। सीवियर स्ट्रेस के केस में नैरो रेंज तक ऑल्टरेशन सेल जो है वो कर सकती है, अपने स्ट्रक्चर और फंक्शनल ऑल्टरेशन कर सकती है, पर ये अगर इतना सफिशिएंट नहीं है तो सेल के अंदर कुछ ऑल्टर्ड पर स्टीडी स्टेट, भाई कुछ बहुत फ्यू सेकंड्स, फ्यू मिनट्स के लिए आए तब तो ठीक है वो चेंजेस आए फिर सही हो गए, पर अगर वो थोड़ा सा लंबे समय तक दिखाई दे रहा होता है स्टेडी स्टेट तक अगर वो ऑल्टर्ड हो रही है तो उसको अपन एडेप्टेशन कहते हैं, जैसे एट्रॉफी और हाइपरट्रॉफी, मतलब लंबे समय तक वो चेंजेस वहाँ पर बने हुए हैं। कौन से चेंजेस? जो किसी सीवियर स्ट्रेस की वजह से आए थे, नैरो रेंज के ऑल्टरेशन, बहुत बड़ा ऑल्टरेशन नहीं आ रहा सेल के अंदर या टिश्यू के अंदर, नैरो रेंज के ऑल्टरेशन आ रहे हैं जैसे एट्रॉफी और हाइपरट्रॉफी। अब सेलुलर रिस्पॉन्स में सेलुलर एडेप्टेशन देखिए, जब फंक्शन डिमांड बढ़ती है तो सेल उस चेंजेस के प्रति अपने आप को अडेप्ट करती है और मॉर्फोलॉजिकली वो दिखाई भी देते हैं वो अडेप्टेशन। फिर जब भी कभी उस स्ट्रेस को रिमूव किया जाएगा तो सेल जो है वो वापस अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है, रिवर्ट बैक टू नॉर्मल जब स्ट्रेस को रिमूव करते हैं। तो ये सेलुलर एडेप्टेशन है, आपको ऐसे फ्लो चार्ट बनाना है भाई अपनी एग्जाम की कॉपी में अगर क्वेश्चन आता है तो। ये देखिए नॉर्मल ब्रोंकियल एपिथेल सेल दिखाई गई है, इसमें एडेप्टेशन और सेल इंजरी हो सकती है। एडेप्टेशन में एट्रॉफी छोटी हो गई, हाइपरट्रॉफी बड़ी हो गई, हाइपरट्रॉफी बड़ी हो गई, सेल का नंबर बढ़ गया तो हाइपरप्लेसिया, एक तरह की सेल दूसरी तरह की सेल से रिप्लेस हो गई तो मेटाप्लेसिया, और अगर सेल की मेच्योरिटी जो है वो खो गई है, इमेच्योरिटी बढ़ गई है तो डिसप्लेसिया, और सेल इंजरी जो है वो अगर एडेप्टेशन नहीं हो पा रहा होता है तो सेल में इंजरी हो जाती है। ये सेल इंजरी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल टाइप की होती है भाई। तो रिवर्सिबल में देखो थोड़े बहुत चेंजेस आए थे, कुछ डिजेनरेशन जो बाद में हीलिंग रिपेयरिंग से ठीक हो जाएंगे। इरिवर्सिबल देखो पूरी टूट गई है सेल वॉल वगैरह सब कुछ टूट गई, सेल मेम्ब्रेन वगैरह, जो कि सेल डेथ कॉज करेगी। तो बस इतना काफ़ी है भाई, यही सेल्यूलर चेंजेस हैं, यही सेल इंजरी है। आपको आई होप समझ में आ गया होगा, बाकी आप अपनी बुक से पढ़िए, और कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बच्चों। तो और एक चीज़ और, मैंने अभी सुना आप लोगों के कुछ डाउट्स हैं तो आप मेरे से पूछना चाह रहे थे, आप अपने सीआर को बोला था कि हमें कुछ क्वेश्चंस पूछने, तो सीआर ने आपको ये कहा था कि आप उसको अपने क्वेश्चंस भेज दीजिए, पर आपने उसको क्वेश्चंस भेजे नहीं, अपने डाउट्स भेजे नहीं, तो मेरे पास आपके क्वेश्चंस आए नहीं हैं। तो अगर आप मेरे से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं डायरेक्टली आप मुझसे नहीं पूछ पाएंगे, आप अपने क्वेश्चंस लिख करके सीआर को दे दीजिए। अगर सीआर मेरे तक वो क्वेश्चंस नहीं पहुंचाता है तो उसके बाद मैं देखूंगी मुझे क्या करना है, पर उसने बोला है कि मैम कोई क्वेश्चंस भेज ही नहीं रहा, जबकि कह तो रहे हैं कि हमें डाउट हो रहे हैं पर क्वेश्चंस कोई भेज नहीं रहा। तो आप क्वेश्चंस दीजिए उसको, मुझ तक क्वेश्चन पहुंच जाएंगे और मैं आपको उसके आंसर्स दूंगी, या जो भी क्लासेस उसके लिए लेनी होगी मैं आपकी क्लास लूंगी। तो ठीक है, अपने क्वेश्चंस डाउट्स भेजिए मेरे पास। आज के लिए इतना काफ़ी है बच्चों, थैंक यू।